32-year-old hot, sexy and glamorous girl. जब मैं आठवीं क्लास में था तब मैं महिमा चौधरी जी का दीवाना था। लोग दास समझते ना, वो माइक फड़ के कह रहा कि मैं जो अठवीं क्लास च पढ़ता सी ना, मैं महिमा चौधरी का बड़ा दीवाना सी। जुत्ती अगर मैं हुंदा ना उथे ते फेरदा जरूर। नहीं, जो बंदा आज बोल रहा है कल और भी बहुत बढ़ सकता, इसका आज ही मुंह बंद करवा देना चाहता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जैसे हम सब जानते हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर दोनों मिनिस्ट्रियों को लेकर बहुत एक बात की चर्चा हो रही है। हम सब जानते हैं प्रॉफिट बाजिंदर मिनिस्ट्री की और प्रेरित अंकन उल्ला मिनिस्ट्री की और से, और अब तो इसका जो विवाद है वो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर फैल चुका है। तो खुदा ने मेरे मन में ऐसे अपनी बातों को लगाया है कि मैं एक वीडियो को बनाऊं, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें प्रेम करना सिखाता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहना, और ये मैसेज किसी पे टिप्पणी करने के लिए मैं वीडियो नहीं बना रहा, जहां किसी के सपोर्ट में और किसी के विरोध में, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि एक के पक्ष में और एक के घर में बात मत करना, एक के पक्ष में और दूसरे के घर में बात ना करना, परमेश्वर का वचन हमें यह सिखाता है। तो इस वीडियो को बनाने का बस एक ही मकसद है, ये दोनों मिनिस्ट्रियों की कलीसिया के लिए ये वीडियो है। क्योंकि क्या हो रहा है कि अब जो प्रॉफिट बाजिंदर जी की मिनिस्ट्री की कलीसिया है, अब जो उनके सपोर्टर है वो उनकी बात कर रहे हैं, जो अंकल उबला जी की मिनिस्ट्री के जो लोग हैं वो उनके पक्ष की बात कर रहे हैं, और इस बात पर विवाद जो कम नहीं हो रहा वो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। और ये बात हम जानते हैं कि कहां से शुरू हुई है, क्योंकि पिछले दिनों में 25 पेजा प्रॉफिट बाजिंदर जी की मिनिस्ट्री के कुछ फिल्मी एक्टर आए और उन्होंने कुछ ऐसी अश्लील बातें बोल दी, जिसको लेकर पूरा ऐसे लोगों के अंदर एक भड़क सी उठ गई, मसीह लोगों के अंदर एक भड़क उठ गई कि ये एक पवित्र पर्पट पर ऐसी बातें बोल रही हैं। और ये विवाद कहां से शुरू हुआ, जब ये बात प्रेरित अंकल यूसुफ नरुला जी ने बोली कि ऐसी बातें तो मैं घर में भी ना करने दूं, ये पर्पट पर कर रहे हैं। तो बस इस बात को लेकर जब उन्होंने उनका स्टेटमेंट सुनी, तो फिर प्रॉफिट बाजिंदर जी ने खुद ये बात उन्होंने अपनी चर्च में लोगों के सामने खड़े होकर प्रीच किया, लोगों को ये ऐसे एक मैसेज दिया, लोगों को नहीं, ये मैसेज मतलब उनका कहने का मतलब कि ये मैसेज जो मैं बोल रहा हूं ये मैं प्रेरित अंकल नोला जी को बता रहा हूं। उन्होंने ऐसा उस स्टेटमेंट ऐसी दी, और यहां तक उन्होंने कहा कि अगर लड़ने की बात हो तो फोन पे बात कर लेना, मुझे सिखाना, मैं जानता हूं, ऐसी ऐसी बातें उन्होंने कही। और उसके बाद फिर क्या हुआ,
फिर उनके दोनों के प्रधान शुरू हो गए लड़ने में। पहले उनके प्रधान जितेंद्र गौरव जी ने एक वीडियो बना दी, फिर उनके बना दी, फिर आपस में दोनों प्रधानों में उनकी ऐसा विवाद हो गया। फिर प्रधानों से हटकर अब दोनों मिनिस्ट्रियों की दोनों कलीसियाओं में ये विवाद खड़ा हो गया। और दोनों कलीसियाओं में क्या आ रहा है, जो प्रॉफिट बजेंद्र जी की कलीसिया के उनके फॉलोअर हैं वो उनके पक्ष की बात कर रहे हैं, और जो अपना अपोस्टल प्रेरित अंक नरुला जी हैं, अब जो उनके लोग हैं जो उनके फॉलोअर हैं उनकी बात कर रहे हैं, कुछ लोग उनकी पक्ष में वीडियो बना रहे हैं प्रेरित अंक नरुला जी के पक्ष में, और कुछ लोग प्रॉफिट बजेंद्र जी के, और लोग उसी तरह से एक एक वीडियो बन रही है प्रॉफिट बजेंद्र जी के पक्ष में, और दूसरी वीडियो कोई बना रहा जो उसका फॉलोअर उसके पक्ष में। और मेरा मैसेज सिर्फ दोनों कलीसियाओं के लिए बस यही है कि परमेश्वर का वचन हमें प्रेम करना सिखाता है। तो इसलिए मेरा इस बात को, मेरा विश्वास है कि इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर अपने लोगों के अंदर अपनी दया को, अपनी शांति को, अपने प्रेम को प्रकट करेगा और उन्हें समझ देगा, क्योंकि बाइबल हमें कहती है हमारी लड़ाई किसी इंसान से नहीं है। बोलो क्या, हमारी लड़ाई किसी इंसान से नहीं है। बाइबल हमें यह सिखाती है। जब हम क्रंथियस की पत्री में पढ़ते हैं उसका एक अध्याय में, तो वहां पे 1:10 से लेकर हम जब 13 तक पढ़ते हैं, तो वहां पे भी क्रंथियस की कलीसिया में ऐसा विवाद हो गया, तो पॉलस ने उन्हें समझाया फिर कि अपलोस क्या है और पॉलस क्या है और कैफा क्या है। ये मेरे प्रभु के एक सेविक है। कुछ लोग कह रहे हैं हम अपलोस के, कुछ कहते हैं पॉलस के, कुछ कहते हैं कैफा के, कुछ कहते हैं मसीह के, उसने ऐसे लिखा वहां पे। तो पॉलस ने कहा क्या मसीह बट गया है, क्या पॉलस तुम्हारे लिए क्रूस पर मरा या अपलोस क्रूस पर मरा या कैफा मतलब पतरस मरा, कौन हमारे पापों के लिए मरा है, हम किस पर विश्वास करते हैं। फिर झगड़ा ये किस बात का है। ठीक है, मैं मानता हूं कि उन्होंने प्रोफेट बजेंद्र जी से, अगर कुछ लोगों को लग रहा है कि ऐसी गलती हो गई है कि उन्होंने उस पवित्र पर्वत पर जो फिल्म एक्ट्रेस आए थे उन्होंने ऐसे कुछ डायलॉग बोल दिए, तो उससे लोगों के अंदर एक अजीब तरह की मतलब भड़क उठ गई। चाहते होने चाहिए था कि पहले उन्हें समझाना चाहिए था कि ये एक पवित्र पर्पट है, क्योंकि उन्हें पता नहीं है मसीहत क्या है, वो नहीं जानते, वो तो अपने हिसाब से उनके लिए तो सब कुछ एक ही जैसा है ना। तो जहां उन्हें सिखा देना चाहिए था पहले, ठीक है चलो मान लो हम मानते हैं कि उनसे गलती होगी है, पर अगर ये गलती होगी है तो परमेश्वर का वचन तो फिर हमें माफ करना सिखाता है कि लड़ाना सिखाता है। बोलो क्या है, परमेश्वर का वचन हमें माफ करना सिखाता है। यीशु मसीह ने कहा अगर आप जब मत्ती पढ़ते हो तो वहां पे चेलों को सिखाया ना यीशु मसीह ने, जब प्रार्थना, चेले कहते हमें प्रार्थना करनी सिखा, तो वहां पे यीशु मसीह ने कहा जिसके पाप तुम रखे रहोगे तुम्हारे रखे रहेंगे, अगर तुम माफ करोगे तुम्हारे माफ किए जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर हमें माफ करना सिखाता है, ना के झगड़ना सिखाता है। बोलो क्या है। और मेरा मैसेज ये दोनों कलीसियाओं के लिए है कि एक कलीसिया के जो फॉलोअर हैं वो प्रॉफिट जी की पक्ष में वीडियो बनाते जा रहे हैं और उनके फॉलोअर उनके पक्ष में बनाते जा रहे हैं, और इनमें इन दोनों में जो नए लोग हैं, नए लोग जो न्यू कलीसिया है, जो अभी अभी मान लो 6 महीने पहले या 2 महीने या 4 महीने पहले जिन्होंने यीशु पर विश्वास करके उद्धार पाया, बपतिस्मा पाया, उन लोगों के लिए ये बातें कठिन हो सकती है, हो सकता है वो लोग ठोकर का कारण भी बन सकते हैं। बोलो क्या है, हो सकता है वो लोग ठोकर का कारण भी बन सकते हैं। और मैं जहां तक मैं आत्मा में जितना समझता हूं, और इसमें जरूर इन दोनों बातों में शैतान की कोई बड़ी योजना है,
जो ऐसा हो रहा है, क्योंकि अगर परमेश्वर ने दोनों दासों को इतना बढ़ाया है तो उनके अंदर दोनों के अंदर इतना वचन है, तो दोनों वो अपनी कलीसिया को समझा सकते हैं, वो अपनी कलीसिया को समझा सकते हैं ना। जैसे हम द बाइबल पढ़ते हैं फर्स्ट कुरिन्थियों 13 अध्याय, तो वहां पे पौलुस ने ऐसे कुरिन्थियों की कलीसिया को कहा, जब भी मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो ठनठनाता करता हुआ मैं पीतल और शंखनाती एक झांस की तरह हूं। यदि मैं स्वर्गदूतों की यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं, सब वेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, मुझे यहां तक शास्त्र के मैं पहाड़ों को भी हटा दूं परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। फिर उसने कहा कि अगर मैं संपूर्ण संपत्ति भी कंगालों को खिला दूं। देखो कितनी बड़ी बात है, परमेश्वर का वचन हमें प्रेम करना सिखाता है। पौलुस कहता है कि मैं स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं पर प्रेम ना रखूं तो ठनठनाता और झंझनाती हुई कि झांच हूं। यदि मैं भविष्यवाणी करूं और पहाड़ों को भी हटा दूं, सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहां तक सांस हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। क्योंकि खुदा का वचन हमें प्रेम करना सिखाता है। अगर आप रोमियों 15 पढ़ो, उसकी 1 से, तो वहां पे लिखा हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सही, ना कि उनकी उन चीजों के लिए उन पर क्या करें। आप उस वचन को पढ़ना रोमियों 15 में कि खुदा का वचन हमें क्या सिखाता है। इसलिए ये मेरा मैसेज है, बस यही इस वीडियो को बनाने का मेरा एक मकसद है कि इन दोनों को प्रोफेट बजिंदर जी की और प्रेरित अंकन उल्ला जी की को भी अब अपनी स्टेटमेंट देनी चाहिए अपनी कलीसिया को, ना कि अपने आप को बढ़ा बनाना चाहिए। क्योंकि अब हो क्या रहा है, ना तो प्रोफेट बजिंदर जी जैसे किसी बात में वो नहीं सोचेंगे कि मैं किसी बात में नीचे आऊं, ना ही प्रेरित अंकन उल्ला जी जैसे गौरव जी की मैंने एक स्टेटमेंट सुनी, जितेंद्र गौरव जी, उन्होंने कहा है कि उन्हें चाहिए कि माफी मांगे। क्या मांगे? और कुछ लोग रहे क्यों माफी मांगे, उन्होंने कौन सा कोई गुनाह कर दिया है, बोलो क्या है। तो हम सब जानते हैं कि सोशल मीडिया पे बहुत सी वीडियो वायरल हो रही है, बहुत तरह की, एक तरह की नहीं, अलग अलग, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। तो मैं तो बस इतना जानता हूं कि परमेश्वर का वचन हमें प्रेम करना सिखाता है। और जैसे यीशु मसीह ने कहा, जो स्त्रियों से जन्मे हैं यूहन्ना से कोई बड़ा नहीं है, जो परमेश्वर के राज्य में अपने आप को छोटा बनाएगा वो यूहन्ना से भी बड़ा है। अब ये तो वचन कोई भी नहीं आस ऐसे करेगा ना, कोई भी नहीं कहेगा कि हाँ ठीक है भाई, मतलब मैं अपनी गलती को मान लूं, कोई भी नहीं कहेगा। ना तो प्रॉफिट बजिंदर जी कहेंगे कि मुझसे अगर कोई गलती हो, ना वो बोलेंगे। और अभी तो जो यूएसए में एक इकबाल गिल जी, आपने देखा उनकी वीडियो भी, एक में उन्होंने बोल दिया अगर मैं यहां पे होता तो मैं क्या करता, मैं उन्हें ऐसे उन्होंने बोल दिया, मैं शत्र ऐसे मारता, जुतियां जैसे बोलते हैं ना, जुतियां मारता मैं उसे। वो इस पर भी बड़ा विवाद हो गया। अब उनके फॉलोअर उनकी फोटोज लेकर वीडियो बना रहे हैं और उसपे क्या कर रहे हैं, जुतियां मार रहे हैं उसकी फोटो पे भी, इसने ऐसे क्यों बोला, ये कौन होता है पता नहीं कैसा है। तो ये एक मसीहत का एक मजाक बन रही है मसीहत। हम जानते हैं मसीहत क्या है, यीशु मसीह ने हमें क्या करने के लिए कहा और कैसे बनने के लिए कहा है, पर यह मसीहत का एक मजाक बन गया है इस बातों को लेकर। और दूसरे अन्य जाति लोग हंसते होंगे, बोलो क्या है, और शैतान इस बात का मजा ले रहा है, बोलो क्या है, शैतान इस बात का मजा ले रहा है। क्योंकि अन्य जाति अगर सुनेंगे तो वो हंसेंगे
जो नहीं है वो तो बेचारे ठोकर का कारण बनेंगे ना। तो मेरा मैसेज बस इतना ही है कि इन दोनों सेवकों के लिए और दोनों कलीसियाओं के लिए, क्योंकि खुदा का वचन हमें प्रेम करना सिखाता है और माफ करना सिखाता है। जिन लोगों ने यीशु मसीह के साथ इतना भद्दा सलूक किया, हम सब जानते हैं, यही तो हम प्रचार करते हैं, यीशु मसीह के क्रूस पे चढ़ने का और मरने का ना, यही तो गुड न्यूज, यही तो सुसमाचार, हम सब जानते हैं कितना यीशु मसीह के साथ उन लोगों ने गंदा, हम सब जानते हैं, व्यवहार किया ना, कैसे ठट्ठा किया, क्या हाल किया, फिर भी यीशु मसीह ने कहा हे पिता ये जानते नहीं, ने माफ कर। बोलो क्या है, हे पिता ये जानते नहीं, ने माफ कर, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें माफ करना सिखाता है। पर कुछ लोग कहते हैं कि खुदा के वचन में लिखा दोष ना लगाना, कुछ लोग ये बात बोलते हैं, कुछ बोलते हैं, तो सब अपने अपने तरीके से सब बोल रहे हैं। बोलो क्या है, सब अपने अपने तरीके से बोल रहे हैं। मैं एक क्राइस्ट पीपल टीवी की एक वीडियो देख रहा था, उस पास्टर जी ने वीडियो बनाई, तो वो दोनों के ऊपर वो बता रहा था कि वो ऐसे बात कर रहे थे कि ये इसलिए तुम्हें जलसी हो गई है क्योंकि उनका इकट्ठ, उनकी भीड़ ज्यादा हो गई है। ये बात एक्टरों की नहीं है, हालेलुया की नहीं है कि उन्होंने इस बात पे हालेलुया लगा दी, उनका नारा लगाया है, ये इकट्ठ को देखकर उन्होंने ऐसी बात कही है। तो अगर आप चाहते हो तो आप उनका क्राइस्ट पीपल टीवी करके उनका ये चैनल का नाम है, आप देख सकते हो, क्योंकि उन्होंने बहुत सी मुझे अच्छी बातें लगी, क्योंकि जो बात अच्छी है, वचन कहता है दूसरों के साथ शेयर करने चाहिए। बोलो क्या है, दूसरों के साथ शेयर करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा है कि वो दोनों की बात कर रहा है, कि दोनों तुम एक ही वैसे वैसे करके बात कर रहे थे। तो बस मैं तो कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता, पर अगर आप सुनना चाहते हो तो आप सुन सकते हो, क्योंकि जैसा उनके मन में आया उन्होंने बोल दिया, जैसा मेरे मन में आया मैं बोल रहा हूं, और जैसा भी किसी के मन में आ रहा है वो वैसी तरीके वीडियो बना रहा है। पर मेरा मैसेज यही है कि खुदा का वचन हमें प्रेम करना सिखाता है, तो हम प्रेम करें, माफ करें, मसीहत का मजाक ना बनाएं, क्योंकि ये सोशल मीडिया पे ये विवाद बढ़ता ही जा रहा है, घट नहीं रहा। मैं बता रहा हूं आपको कि पहले विवाद शुरू हुआ जब प्रेरित अंकुर मुल्ला जी ने ये बात को बोला, फिर प्रॉफिट बजेंद्र जी ने बोला, फिर प्रधानों से शुरू हो गया, फिर आप कलीसियाओं में शुरू हो गया, आप फॉलोअर में शुरू हो गया, उनके फॉलोअर वीडियो उनके पक्ष में बनाते जा रहे हैं, उनके फॉलोअर बना रहे हैं, और कितने न्यूज चैनल वाले, बोले क्या है, कितने न्यूज चैनल वाले रोज उनकी स्टेटमेंट ले रहे हैं, और अलग अलग चैनलों पर कितना ये मसीहत का मजाक बन रहा है। ये देखो कितने दोनों बुद्धिमान हैं जो दूसरों के भविष्य के बारे बताते हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि ये क्या हो क्या रहा है। ये बस ऐसा हो गया कि हम किसी बात के नीचे ना आ जाए, इसी कारण ये विवाद बढ़ रहा है। इसलिए मेरा ये मैसेज है बस कि दोनों कलीसियाओं के लिए और दोनों सेवकों के लिए, खास करके कलीसिया के लिए, कि वो इस बात को समझें और खुदा से प्रार्थना करें। हम जब बाइबल पढ़ते हैं तो कितने बड़े बड़े मसले राजाओं के, जब हम शुरू से लेकर आज तक इसी बाइबल से हम पढ़ते आ रहे हैं, कैसी कैसी बातें, बड़ी बड़ी बातें जो इतनी मुश्किल थी, प्रार्थना से परमेश्वर हल हुआ ना, तो क्या आज नहीं हो सकता, आज भी हो सकता है। तो मैं चाहता हूं कि लोग प्रार्थना करें इस बात के लिए कि विवाद खत्म हो, ताकि लोग जिस बात के लिए चुने गए हैं, जिस काम के लिए परमेश्वर ने अंधकार से बुलाया है, परमेश्वर चाहता है कि सब बचाए जाए ना,
शक्ति को जाने और उद्धार पाए, और ये उद्धार का विषय कुछ और ही बन रहा है। तो क्योंकि शैतान बड़ा शातर है, वो किसी भी एक छोटी सी बात को लेकर, जैसे कहते ना, एक छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल को साड़ देती है। कुछ भी नहीं, एक छोटी सी बात से देखो अभी विवाद कहां तक चला गया। बोला गया अगर ठीक है कोई बात थी, उन्होंने कुछ गलत बोल दिया तो आपस में भी हो सकती थी बात, इतना विवाद करने का, अपने अपने प्रपट पे ऐसी बातें बोलने का क्या जरूरत थी ना, क्योंकि नए लोगों के लिए यह ठोकर का कारण बन सकता है। तो आप इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करना, लाइक करना, अगर आपको अच्छा ये बातें अच्छी लगी है कमेंट करना, और खास करके प्रार्थना करना। बोलो क्या है, प्रार्थना करना, क्योंकि परमेश्वर ने कहा जो बातें औखी हैं कठिन है मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे बड़ी बड़ी बातें जो तेरी समझ से परे है मैं तुझे बताऊंगा। तो परमेश्वर सब कुछ करने की वो ताकत रखता है और वो करेगा, तो इसलिए आप प्रार्थना करें तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ओके, तो इन सब बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि जितने इस वीडियो को सुने, प्रभु ने शांति दे, समझ दे, उनके मनों में अपना प्रेम उस आत्मा के द्वारा डाले ताकि उस बात को समझें, और जो खुदा का वचन हमें कहता है वो वैसा बने और वैसा चले। ओके, तो गॉड ब्लेस यू ऑल, परमेश्वर आप सबको बरकत दे। आमीन।